बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद रहमान है और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपको समझा देंगे कि किस तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है और ये प्लेटफॉर्म किस तरह यूज़ होता है। तो सबसे पहले अपना यूज़र आईडी डालेंगे इसमें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो टर्मिनल है उसके लिए लॉगिन करेंगे, उसको पासवर्ड दे के। तो लॉगिन करने के बाद ये इस तरह हमारा नज़र आएगा। तो ये हमारा मेन टर्मिनल इस तरह खुलेगा। तो ये मेन टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारे वॉचेज हैं, ये मेन टर्मिनल है। इसके ऊपर ये देखें दोस्तों, ये सबसे पहले फाइल, इसमें जो सेटिंग वगैरह चेंज, पिन कोड, पासवर्ड की तो ज़रूरत नहीं है, वन टाइम ही होती है। तो दोस्तों, जब सेकंड ऑप्शन में आते हैं हम फाइल इधर बार में, तो इधर वॉचेज में हम, ये हमारा खुलेगा वॉचेज में। तो सबसे पहले इसमें है इंडेक्स वॉचेज, हम इधर आएंगे तो हमारा जितने इंडेक्स का चल रहा है इधर हमें शो कर रहा है। ये हमारा रेगुलर मार्केट है, रेगुलर मार्केट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा स्क्रिप्ट डी जे खान सीमेंट ई एफ ई आर टी एंगर वगैरह ये है। तो ये हमारा जो ये बाइंग हुई है अभी लास्ट, वो 3500 वॉल्यूम की हुई है और 78.05 रुपये पे हुई है, और जो सेल लास्ट हुई है वो 500 वॉल्यूम की हुई है 78.34 पे। तो मतलब लास्ट प्राइस जो है उसकी 78.10 पे है अभी, लास्ट प्राइस उसके लगा है ये 78.34 पे चला गया। तो अभी इसमें ऊपर जा रहा है मार्केट, चेंज 19 पैसे का उसमें चेंज है, 24 तो ये ऊपर होते ऊपर और नीचे होते रहता है इस तरह। तो ये डायरेक्शन इसका ये अभी ऊपर आ गया, इसके डायरेक्शन ऊपर अप ट्रेंड है। टोटल वॉल्यूम ये 5,93,500 है, जिसमें लो ये 77.60 का लो लगा है और 77.95 का एवरेज है और 78.45 का जिसका अभी तक हाई लगा है। तो टोटल ट्रेडिंग अभी तक इसमें डीजे के डीजे हाँ सीमेंट में 294, अभी ये 95 इस तरफ ऊपर चल रहा है। तो जो लास्ट ट्रेड वॉल्यूम है वो 1000 है और जो क्लोज प्राइस अभी लास्ट हुआ है वो 78.15 है, और अभी तक जो है और जो ओपन हुआ था वो 78.5 हुआ था। तो दोस्तों, ये जिस तरह इसके सारे डिटेल्स हैं एक एक करके आप सबके देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर होती है नीचे जा रही है, या इसके रेट्स किस तरह चेंज होते हैं और कितनी वॉल्यूम में सेल होती है, ये सारा डिटेल आपके इधर लाइव दिखाएगा। तो अगर आपने इसको अभी मसलन अगर आप डी जी खान सीमेंट को अभी इधर ही से ट्रेड करना हो तो आप ये इधर आएंगे, इसको ट्रेड करेंगे तो ये आपको इधर से ही आप इसकी क्वान्टिटी डालेंगे। मसलन अगर आपने 10,000 की वॉल्यूम डालनी है और मार्केट जो अभी इसके और अपना अकाउंट जो आपका है वही सेलेक्ट करेगा, पिन कोड डालेंगे तो उसको बाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी बाई है तो उसको इधर से ही सेल कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, और अपने पिन कोड को इधर सेव कर लेंगे तो बस वो एक ही मरतबा सेव हो जाएगा और बार बार आपसे नहीं पूछेगा जब भी आप इधर ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, ये इंडेक्स का था, और उसके अलावा हम फ्यूचर वॉच को भी इधर ही दे सकते हैं, ये फ्यूचर में जो काम करते हैं वो इधर से अपना देख सकते हैं। एसटीएल का फरवरी का है, एसटीएल का जनवरी का है, एटीआरएल का फरवरी का जनवरी का, बाकी डिटेल्स वही है और ट्रेड का तरीका भी वही है। आप इसको ट्रेड में इधर क्लिक करेंगे तो उधर इधर से आपके ट्रेड हो जाएगा। तो शरिया वॉच आप इधर से अपने जितने भी शरिया स्टॉक्स हैं वो इधर से इनका आप वॉच कर सकते हैं, जैसे ये सारे हेस्कोल का, एफ एफ एल एम का, एल टी एन का, बी बी आर, एफ सी सी एल, सारा इधर, बाकी वही बाइंग वॉल्यूम और बाइंग रेट, सेलिंग और सेलिंग वॉल्यूम, सारा लास्ट प्राइस, वो सारे इधर है। और इधर से आप ट्रेड डायरेक्ट कर सकते हैं उसी तरह, ये अपना क्वांटिटी देंगे, पिन कोड देंगे, वो तो सीधे बाई करें या सेल करें, बहुत ही ईजी है। तो अपना आप जो पोर्टफोलियो है आपका जो आप बनाएंगे, तो उसको ये मैंने एक बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो इसमें आप अपना पोर्टफोलियो भी इधर से आप जितनी बाइंग सेलिंग आप करेंगे वो जितनी बाइंग आपके पास होल्डिंग होगी वो सारा आपको इधर दिखाएगा। मसलन ये अभी बाइक हो गया, 1000 शेयर्स पड़े हुए हैं मेरे, 8.51 पे उसकी बाइंग है और 8.51 इसकी अभी रेट है बाई है, और ये 8.42 उसकी अभी 4000 वॉल्यूम की लास्ट बाई हुई है 8.42 पे, और 500 सेल हुई है 8.49 पे। तो अभी ये नीचे जा रही है मार्केट, ठीक है जी। तो इस तरह ये सारी डिटेल दे रहे हैं उसके, जो आपके जितने भी आपके पास शेयर्स हैं वो इधर आपको एक ही जगह पर आपको दिखाएगा। तो ये इधर ऊपर आपको डिटेल दिखाएगा कि आपके पास नेट एक एक बाइकों की कितनी क्वांटिटी है, उसका रेट आपने क्या लिया था, कितने पैसे बने थे,
और इस तरह आपका करंट वर्थ इसका कितना बनता है, प्रॉफिट में जा रहा है आपको प्रॉफिट भी इधर शो करेगा, जितना प्रॉफिट बनता है वो भी शो करेगा, या आगे जाके जितना बढ़ेगा प्रॉफिट इधर आएगा, जितना लॉस होगा जितने नीचे जाएगा इधर वो डायरेक्टली आपको लॉस में शो करेगा। तो आपके सारे पेमेंट्स वगैरह सारा कुछ सारा प्रॉफिट का डिटेल भी आपको पूरा आपको इधर दिखाएगा, आपका नेट जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा आपको इधर दिखाएगा। तो अगर इधर से आप इसको अगर लिक्विडेट करना चाहें तो इधर से आप उसको आप सेल कर लें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1000 की पड़ी हुई है, तो आप इधर से उसको वो क्वान्टिटी उठाएगा, अगर आपने उससे 500 जितनी भी सेल करनी है वो दे दें और अपना लिमिट प्राइस उसको दे दें, पिन कोड दे दें, एग्जीक्यूट करें, तो वो जैसे उसको वो उस रेट पर पहुँच जाएगा तो उधर से ही बस वो सेल हो जाए। ने अगर इधर आके बाई करना है डायरेक्ट उधर से भी कर सकते हैं, आप वॉचेज में जाके मैंने आपको अभी तो समझा दिया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो 8 रुपये आके इधर बाई कर सकते हैं, 8 रुपये आके ये बाई देंगे तो आपको मार्केट रेगुलर में करना है, फ्यूचर में करना है और ऑर्ड में करना है, जिसमें भी करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना आप मार्केट का ऑर्डर टाइप हो तो ये लिमिट रखेंगे और वॉल्यूम अपना दे दें, आप मसलन 10,000 के अभी स्कोल के खरीदने प्राइस आप उसको दे दें कि मैंने अभी उसको 29 पे बाई करना है, अपना पिन कोड डालेंगे और आप उसको तो आप नीचे आपको या इधर ही दिखा देते कि यार भाई लास्ट बाई जो हुआ है 3500.25 पे हुआ है और सेलर अभी 25.9 पे अवेलेबल है। अगर आपने उसको कहना है कि यार जब ये वापस नीचे आए 25 तक मैंने इसको ख़रीदना है तो आप 25 दे देंगे, अगर 25.7 देंगे 1000 तो ये 12,500 के अभी इधर ही अवेलेबल है सेल करने वाला, तो उसी टाइम पर आपको आपका मार्केट में ऑर्डर बन के चला जाएगा और आपका सेल हो जाएगा। तो इस तरह ये इजीली आप इधर से इसको बाई कर सकते हैं। अगर आपने इसी को फिर सेल करना है तो ऑर्डर में आके आपने यहाँ पे सेल करना है उसको, तो रेगुलर मार्केट के ये वो आपके होगा लिमिट होगा, आपने वो 10,000 लिए तो इसमें से आपने 5,000 सेल करने हैं, स्कोल के आपने इसको 26 पे सेल करना है तो आप अपना पिन कोड डालें सेंड ऑर्डर कर दें, तो आपको नीचे इधर से चेक भी कर सकते हैं कि लास्ट बाई कितना हुआ 25.6 पे 16,500 के वाली वाली बाई हुए, तो पिन कोड डालेंगे अपना तो इधर से ही वो आपका सेल आउट हो जाएगा, मार्केट में ऑर्डर बन के चला जाएगा, वहाँ से आपका सेल ऑर्डर बन जाएगा। तो दोस्तों ये दो तीन चीज़ें थी फिलहाल आज के लिए, इतना ही, फिर वीडियो ज़्यादा बनेगा लेंथी हो जाएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर और चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो उस टाइम के तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।